खुशी से रहेगा तब ना देंगे। ले लीजिए, आइए भाई, आइए भाई, आइए आइए, आराम आगे चेंज कर लेंगे। नहीं कोई दिक्कत नहीं, स्लीपर का पैसा, एसी का मजा लीजिए, आराम कीजिए। हाँ नहीं ठीक है। और सबसे पहले दाल को चावल मिलाएंगे। तो भैया उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल बहुत दिनों के बाद किसी ट्रेन जर्नी की शुरुआत कर रहा हूँ गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और आज की ट्रेन जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 1528 मौर्या एक्सप्रेस में, जो कि गोरखपुर से उड़ीसा के संबलपुर तक जाती है। लेकिन हम गोरखपुर से रांची तक ही जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस मौर्या एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी को। हमारी ट्रेन 1528 मौर्या एक्सप्रेस भैया खड़ी है गोरखपुर के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और आज हमारी यात्रा होने वाली है इसके 3rd AC कोच में। बाकी यही वाला कोच है हमारा हम सफर वाला। आइए दिखाते हैं आपको इस हम सफर वाली कोच का इंटीरियर। बाकी साफ सफाई तो आप देख सकते हैं। मैरवा जाना आपको, मैरवा साफ सफाई देख लीजिए भैया, काफी अच्छी है। बाकी मौर्या एक्सप्रेस के टाइमिंग की बात की जाए तो 7:20 हमारी ये ट्रेन गोरखपुर से चलेगी और कल 7:00 हम पहुंच जाएंगे रांची। यानी हमारी जो यात्रा होने वाली है लगभग 24 घंटे की होने वाली है और इस बीच हम लगभग 850 किलोमीटर की दूरी भैया तय करेंगे। संबलपुर ये गाड़ी 2:30-2:30 तक पहुँचती है। लखनऊ से मैं आया हुआ, मेरा पर्स मोबाइल बैग चला गया है, जूता तक चला गया है, लोग आँख लग गया था, घर जाने के लिए हेल्प मांग रहा हूँ। कहाँ घर है आपका? रुद्रपुर जा रहा है। रुद्रपुर कहाँ? उत्तराखंड? नहीं नहीं नहीं, डिस्ट्रिक्ट हम लोग का देवरिया पड़ता है। 80 रुपया भाड़ा लगेगा, 10 रुपया कर लिया भैया। नहीं नहीं ठीक, अरे ठीक, जाइए बस आप अपना घर पहुँच जाए, मेरे लिए इतना काफी है। हालांकि ट्रेनों में ऐसे ऐसे बहाने बनाकर बहुत सारे लोग पैसे मांगते हैं, लेकिन नहीं देना चाहिए भैया पैसा ऐसे ऐसे लोगों को, पैसा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेकिन भैया इंसान ही है ना, इंसान के ऊपर दया आ जाता है, ज़्यादा नहीं दिए जाने भैया उसका ईमान क्या सच है क्या झूठ है, हम लोग तो हेल्प कर दिए। देखिए ऐसे ऐसे लोगों पर इसलिए भैया तरस आ जाता है ना, क्योंकि एक बार ये वाला हाल मेरा भी हुआ था बहुत पहले 2016-17 में, इसलिए थोड़ा सा माया आ जाता है। For the kind attention of passengers, train number 0542. चलिए भैया हमारी मौर्या एक्सप्रेस एकदम ऑन टाइम 7:20 पे निकल चुकी है गोरखपुर से बरौनी धनबाद रांची के रास्ते उड़ीसा के संबलपुर के लिए। अच्छा हमारी मौर्या एक्सप्रेस का स्टॉपेज काफ़ी ज़्यादा है गोरखपुर से रांची तक ही भैया, इस गाड़ी के टोटल 40 से ऊपर स्टॉप हैं, इसलिए रास्ते में बहुत सारी ट्रेनें हमारी ट्रेन को ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाएगी, तो बहुत सारे ओवरटेक आपको दिखाएंगे। फिलहाल तो देवरिया आने वाला है, देवरिया को करते हैं कवर। चलिए भैया गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी हमने अपने मौर्या एक्सप्रेस से तय कर लिए हैं और पहुंच गए भैया देवरिया सदर रेलवे स्टेशन। देवरिया यूपी का एक जिला भी है और काफ़ी अच्छी जगह है घूमने फिरने के लिए। बाकी देवरिया तो आप घूम ही सकते हैं, इसके अलावा यहाँ से आप बाई रोड कुशीनगर जा सकते हैं। कुशीनगर जो कि एक बहुत ही अच्छा तीर्थ स्थल है बौद्ध धर्म का, बहुत कुछ है वहाँ भी घूमने फिरने के लिए। हमारी ट्रेन का यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है। देवरिया वैसे 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है जिसमें हमारी ट्रेन आई है 3 नंबर पे, और काफ़ी लोग यहाँ से बोर्ड भी कर रहे हैं देवरिया सदर से। कोई पैसेंजर ट्रेन लगता है, कोई छपरा से बनारस जाने वाली ट्रेन है भैया। बाकी इस और हमारी मौर्या भी निकल चुकी है। चलिए भैया देवरिया सदर से भी हमारी ये मौर्या एक्सप्रेस निकल चुकी है और अब ये रुकेगी भटनी जंक्शन, जहाँ से एक लाइन सलेमपुर मऊ की ओर जाती है, उसके बाद भाटपा रानी मेरवा बहुत स्टॉप इस गाड़ी के, सीधा मिलते हैं हम आपसे सिवान या फिर छपरा में। भटनी जंक्शन आ चुकी है जहाँ से एक लाइन जाती है सलेमपुर के रास्ते मऊ की ओर। वैसे आपको बता दूँ इस मौर्या एक्सप्रेस में कोई पेंट्री कार नहीं है, इसलिए खाने पीने का भैया इंतजाम कर लीजिएगा। सुबह सुबह ये ट्रेन गोरखपुर चलती है तो हम लोगों को नाश्ता पानी करने बहुत दिक्कत हो रहा है।
गाड़ी संख्या 15028 मौर्य एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से चलकर छपरा जंक्शन बरौनी जंक्शन के रास्ते हटिया को जाने वाली। भैया दोनों मौर्य एक्सप्रेस का छपरा में आकर मिलन हुआ है। मिलन टाइम हो चुका है, सुबह के 11:30 बज चुके हैं और हम अपनी मौर्य एक्सप्रेस से गोरखपुर से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी तय कर लिए हैं और पहुंच गए भैया बिहार के सारण जिले का छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहां अपनी मौर्य एक्सप्रेस का 5 मिनट का स्टॉप दिया गया है। स्टेशन वैसे 5 प्लेटफॉर्म का है जिसमें हमारी ट्रेन आई है 4 नंबर पे। और वहाँ की छपरा को छपरा जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारी ट्रेन तो आ रही है गोरखपुर की ओर से और जाएंगे हम हाजीपुर मुजफ्फरपुर की ओर। इसके अलावा यहाँ से एक लाइन चली जाती है भैया बलिया गाजीपुर के रास्ते बनारस की ओर और एक लाइन जाती है यहाँ से ठावे की ओर। बाकी छपरा का प्लेटफॉर्म में देख लीजिए कार काफ़ी तेज़ी से चल रही है। स्टेशन को भैया और भी खूबसूरत बनाया जा रहा है। बाकी छपरा के प्लेटफॉर्म पर आपको गर्मा गर्म समोसे लिट्टी वगैरह मिल जाएगा। खाना पीना खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है छपरा में। बाकी भैया छपरा के प्लेटफॉर्म पर काम चल रहा है इसलिए देख लीजिए ट्रैक्टर आ रहा है भैया। ट्रैक्टर प्लेटफॉर्म पर ट्रैक्टर महाराज। प्लेटफॉर्म पर भैया ये ट्रैक्टर बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। देख रहे हैं इस ओर लगी हुई अपनी मौर्य एक्सप्रेस और इस ओर जा रही है भैया ट्रैक्टर। उस ओर है भैया छपरा का बोर्ड रोड़ी गिट्टी सब ट्रैक्टर पे लगा हुआ है। चलिए आप चलते हैं अपने कोच में क्योंकि हमारी ट्रेन जो है यहाँ चलने वाली है। उसके आगे कुछ नहीं। देख रहे महाराज महाराज तो स्लीपर का पैसा एसी का मजा लीजिए आराम कीजिए। हाँ नहीं ठीक है। और साइड लोअर सीट है। हाँ बाहरी नजारों का आनंद लीजिए। हमारा ही ऊपर वाला है कोई नहीं आएगा फालतू में। अच्छा आप लोग हमें कमेंट करके बताइए आपका कभी ट्रेन जर्नी के दौरान टिकट अपग्रेड हुआ है स्लीपर टू एसी। बाकी मैं अपनी बात करूँ ना तो ये सुनहरा मौका भैया अभी तक तो मेरे पास नहीं आया है। शीतलपुर पार कर गए हो महाराज शीतलपुर। अब लगता है गाड़ी हमारा घुसेगा कहाँ हाजीपुर। अच्छा हाजीपुर के आने से पहले गाड़ी आएगी पहले सोनपुर। बाकी दोस्तों अभी तक जो है ना हम लोग भूखे ही हैं एक दो सेब खाए थे उसके बाद फिर गाड़ी में पेंट्री कार नहीं है खाने पीने की बहुत दिक्कत है। हाजीपुर में हम लोगों ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया है 2 थाली। देखते हैं कब तक हाजीपुर आता है और कब हमें खाने का मौका मिलता है। बहुत भूख लगी है महाराज। खुशी से रहेगा तब ना देंगे। वाह भाई वाह दोनों के पास आईफोन है तो दोनों 101 रुपए देंगे है ना। कितना देंगे? 101। जेब में ना फूतल कौड़ी नहीं बात नहीं ना। फोन गाड़ी कहाँ पहुँचने वाला है? सोनपुर। वैशाली। बरौनी नई दिल्ली क्लोन हम सफर लगी हुई है। चलिए भैया टाइम हो चुका है 1:01 और गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है हाजीपुर। स्वागत है आपका बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर में। बाकी यहां हमारा खाना भी आने वाला है चलते हैं ट्रेन के अंदर नहीं तो। प्लेटफॉर्म पर देख ही रहे हैं केला मिल रहा है हाजीपुर का फेमस। फिलहाल चलते हैं अपने कोच में क्योंकि खाना वाला हो सके कोच में खोजता होगा हमें।
कैश पैसा हो जाएगा ना? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, इस गाड़ी में पेंट्री कार नहीं ना है तो काफ़ी दिक्कत हो रहा था खाने पीने में, इसलिए ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लिया। तो सही है, कार्ड वाला खाना इसमें थोड़े मिलेगा, उससे बढ़िया खाना ना है ना, तो देखेंगे खा कर ही। तो खाने के बाद ही। हाँ तो भैया ये रहा हमारा खाना जो हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, बाकी इस और लगी है बरौनी नई दिल्ली क्लोन हम सफर। आइए भाई आइए भाई आइए आइए आगे चेंज कर लेंगे। नहीं कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिलहाल ट्रेन हमारी निकल चुकी है भैया हाजीपुर जंक्शन से। प्लेटफॉर्म पर आपको केला बिकते हुए दिख गया मतलब भैया समझ लीजिए हाजीपुर आ गया। फिलहाल चलते हैं खाना खाने के लिए, बाय बाय हाजीपुर। तो भैया खाने में क्या क्या है देख लीजिए, चावल दिया गया है, ये शायद किसी चीज़ की चटनी है, आलू और परवल का सब्जी, दाल और ये रोटी चाहे पराठा होगा, बाकी ये केला हमने हाजीपुर का फेमस हाजीपुर में ख़रीदे हैं। बाकी खाना कैसा है ये तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले दाल को चावल में मिलाएंगे। चलिए मैं आपको टेस्ट करके भैया बताता हूँ कैसा है ये ऑनलाइन खाना ट्रेन का, चावल दाल और आलू परवल का सब्जी दिया हुआ है भैया। तो भैया टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है, मगर उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है खाने लायक है। अच्छा खाने का प्राइस पड़ा 200 रुपये, तो 200 रुपये के हिसाब से खाना उतना भी खास नहीं है। बाकी इस और से एक गाड़ी गुजर रही है, कौन सी गाड़ी है पता नहीं। मगर एक चीज़ है, ट्रेन में जो खाना मिलता है ना उससे ये खाना भैया अच्छा है। फिलहाल खाने को करते हैं फिनिश और सीधा मिलते हैं आपसे मुजफ्फरपुर में। तो भैया फिलहाल हमारी मौर्या एक्सप्रेस को भगवानपुर स्टेशन में काफ़ी देर से रोक के रखा गया है और लगता है नई दिल्ली दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस को पार किया जाएगा, देखते हैं क्या होता है। ये लगता है ओवरटेक नहीं होगा, हमारी ट्रेन को भगवानपुर से प्रस्थान कर दिया गया है। उस और एक लोकल ट्रेन शायद खड़ी है इसीलिए। चलिए भगवानपुर में तो हमारा ओवरटेक नहीं हुआ, हो सकता आगे हो या हो सकता है नहीं भी हो, क्योंकि ये ट्रेन तो लगभग राइट टाइम है और वो नई दिल्ली दरभंगा क्लोन स्पेशल भैया लेट है, बहुत लेट है, तो हो सकता ना हो। फिलहाल मिलते हैं आपसे मुजफ्फरपुर में, तब तक खाते हैं ये हाजीपुर का केला। जय हो हाजीपुर का केला, जय हो महाराज। सोनपुर का मेला, हाजीपुर का केला और मुजफ्फरपुर का लीची, इन तीनों चीज़ों का भाई कोई तोड़ नहीं है। बात तो एकदम सही है आपकी। बाकी इस ओर से पता नहीं कौन सी ट्रेन जा रही है। चलिए भैया महाराज मुजफ्फरपुर में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल टाइम हो रहा है 2:40 और मुजफ्फरपुर पहुंच गए हैं। इस गाड़ी का जनरल और स्लीपर सबसे आगे की ओर है, इसलिए लोग भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। बाकी भैया बहुत बड़ा शहर है हो भैया मुजफ्फरपुर, पटना के बाद आता है गया, भागलपुर, उसके बाद मुजफ्फरपुर का ही नंबर है और काफ़ी विकसित शहर है मुजफ्फरपुर। अच्छा मुजफ्फरपुर का ये जो एक नंबर प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी लंबा है, मतलब एक प्लेटफॉर्म पर ही एक नंबर प्लेटफॉर्म और 1A प्लेटफॉर्म एक ही प्लेटफॉर्म पर है, काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म है ये। भैया हमारी मौर्या एक्सप्रेस निकल चुकी है मुजफ्फरपुर से, अब रुकेगी बहुत सारे स्टेशन रुकने के बाद रुकेगी ये ट्रेन समस्तीपुर जंक्शन, तो सीधा मिलते हैं आपसे अब समस्तीपुर में ही। बाकी इस गाड़ी के तो स्टॉपेज काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब एक तरह समझ लीजिए फास्ट पैसेंजर है ये मौर्या एक्सप्रेस। तो भैया टाइम हो चुका है 4:04 और हमारी मौर्या एक्सप्रेस पहुंच चुकी है समस्तीपुर जंक्शन। वैसे गाड़ी का यहाँ आने का टाइम था 3:15, लेकिन लेट आई है। लेकिन भैया इस मौर्या एक्सप्रेस को इतना भर भर के स्लैक दिया गया है, समझ लीजिए बरौनी भी ये राइट टाइम पहुँचेगी। बाकी बहुत सारे पैसेंजर समस्तीपुर में अपनी इस यात्रा को समाप्त कर रहे हैं और कुछ लोग भैया शुरुआत भी कर रहे हैं। हमारी ट्रेन लगी है समस्तीपुर के 4 नंबर पे और वो पवन एक्सप्रेस लगी है भैया 5 नंबर पे। यहाँ से बरौनी की दूरी है लगभग 50-55 किलोमीटर और इस 55 किलोमीटर की दूरी तय करने में ही इस गाड़ी दिए गए लगभग 2.5 घंटे का टाइम, तो जाहिर सी बात है भैया गाड़ी बरौनी भी थोड़ी पहुँचेगी। पवन एक्सप्रेस अभी भी रुकी हुई है क्योंकि यहाँ इस गाड़ी का रेक
रिहर्सल होता है। पवन एक्सप्रेस के जनरल कोच का भीड़ देख लीजिए आप लोग। समस्तीपुर के उस साइड देख लीजिए, मीटर गेज वाली ट्रेन लगी हुई है। मीटर गेज की लोको, मीटर गेज का कोच देख रहे हैं। पुरानी यादें भैया ताज़ा हो जाएगी, जो लोग उस ज़माने में इस ट्रेन से यात्रा करते थे ना, उन लोगों की। फिलहाल भैया हमारी मोरिया एक्सप्रेस बछवाड़ा जंक्शन पास कर रही है, जहाँ से एक लाइन महनार होते हुए जाती है हाजीपुर की ओर। बाकी अगर किराए की बात की जाए ना इस मोरिया एक्सप्रेस की, तो अगर आप गोरखपुर से रांची जाते हैं इसके स्लीपर क्लास में, तो भैया आपको देने होंगे मात्र 435 रुपये। वही थर्ड एसी का पड़ जाएगा आपका 1180 रुपये, सेकेंड एसी का पड़ेगा लगभग 1700 रुपये, और फर्स्ट एसी भी है जिसका किराया है गोरखपुर से रांची लगभग 2840 रुपये। लेकिन एक ही ज़्यादा रखिएगा, इस गाड़ी में पेंट्री कार नहीं है, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है, साइड पेंट्री है, मगर उसका खाना बेकार रहता है, मत ट्राई कीजिएगा। इसे अच्छा प्लेटफॉर्म पे खा लीजिए कुछ। अच्छा टाइम देख लीजिए, शाम के अभी 5 बजे हैं और ट्रेन हमारी बछवाड़ा पहुँच चुकी है, और यहाँ से लगभग और 15 किलोमीटर की दूरी है बरौनी जंक्शन की। और इस 15 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए भैया इस गाड़ी को दिए गए हैं 1.5 घंटे का टाइम, मतलब जितना हो सके उतना स्लैक दिया गया है इस मौर्या एक्सप्रेस को। आप समझ लीजिए ना, सुबह 7:30 बजे के आसपास ये ट्रेन गोरखपुर चली है और बरौनी पहुँचेगी 6:30 बजे, यानी लगभग यानी गोरखपुर से बरौनी जाने में इस मौर्या एक्सप्रेस को लगाते हैं भैया 11 घंटे का टाइम, जो कि भैया ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है। गाड़ी थी भैया ग्वालियर से बरौनी जाने वाली, ग्वालियर बरौनी मेल। हमारी ट्रेन के दोनों साइड से ट्रेन क्रॉस करने वाली है, इधर तो शायद आ रही है वैशाली एक्सप्रेस और उस साइड आ रही है भैया शायद जन साधारण एक्सप्रेस। उस ओर जा रही है सहरसा आनंद विहार जन साधारण। बरौनी जंक्शन पहुंच चुकी है हमारी मौर्या एक्सप्रेस। गाड़ी का यहां 6:15 का टाइम था, तो एकदम रुलाते रुलाते गाड़ी को 6:20 तक यहां पर एंट्री दिया गया, और 10 मिनट रुकेगी और फिर यहां से चल देगी। वैसे बरौनी में देख लीजिए यहां जोरों की बारिश हो रही है, देख रहे हैं रिमझिम बरसात भैया बरौनी में हो रही है। शाम के 6:48 हो चुके हैं और अभी भी हमारी मौर्या, प्यारी सी मौर्या एक्सप्रेस बरौनी में ही लगी हुई है। चलते हैं, अब थोड़ा सा खा पी कर रेस्ट करते हैं और सीधा मिलते हैं आपसे झाझा या फिर जसीडी में।
हमारी मौर्य एक्सप्रेस पहुंचने वाली है रांची, और बाहर की जो प्राकृतिक खूबसूरती है ना भैया, बहुत ही खूबसूरत है। सुबह सुबह तो और भी अच्छा लग रहा है। मतलब सच में अगर आप रांची रूट में आते हैं ना, तो मूरी और रांची का जो बीच का सेक्शन है बहुत ही खूबसूरत है, इसे आप मिस मत कीजिएगा। तो भैया टाइम हो चुका है सुबह के 6:40 और अपने निर्धारित समय से 5 मिनट पहले ही अपनी मौर्य एक्सप्रेस पहुंच चुकी है मेरी फाइनल डेस्टिनेशन रांची जंक्शन। बाकी ये ट्रेन तो जाएगी संबलपुर तक। ट्रेन काफ़ी अच्छी है आने जाने के लिए, बस इसका स्लैग काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। बाकी यही थी मौर्य एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी गोरखपुर से रांची तक। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। अगर भैया वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा महाराज। बाकी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक के लिए रांची जंक्शन से भैया आप सभी को जय हिंद।